तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाः मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओमसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। लंबे गहरे श्वास। जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, अस्थमा हर्निया कमर में दर्द कमजोरी है, कैंसर है, बहुत ज्यादा किडनी की प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी समस्या है, तो आराम आराम से कर लेना, से पूरा लेना, पूरा छोड़ना। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से योग के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में मैं कुछ बड़ी बातें कह रहा हूं और एक दो बार नहीं हजारों बार इनको दोहराता हूं। एक, कुछ बड़े निर्णय जीवन में ले लेने चाहिए, कुछ बड़े व्रत ले लेने चाहिए। सबसे बड़ा और कड़ा निर्णय जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैंने बार बार कहा है जिंदगी एक युद्ध है, युद्ध के बीच में भी योग चलते रहना चाहिए। गीता में ही भगवान श्री कृष्ण भी कहते युद्धस्व विगतच्च माम अनुस्मर युद्धच। आंधी तूफान झंझावात अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान रोग वियोग जीवन के उतार और चढ़ावों के बीच में योग नहीं छूटना चाहिए। बड़े से बड़े संकट को भी पार करना है। जिसने संकट पार कर लिए जीने का अधिकार उसी को। लंबे लंबे गहरे श्वास। चलो आपको छोटा सा भजन सुना देते हैं। बिना योग के आप जिंदगी के इस संग्राम को, जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो जिंदा ही नहीं बचेगा। चारों ओर मैंने बार बार कहा है रोग व्याधियां विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश
प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूपी क्लिष्ट वृत्तियां, अतीत की स्मृतियां, वर्तमान की आसक्तियां और भविष्य का भय व्यक्ति को आतंकित किए रहता है। बचेगा कैसे इंसान? योग नहीं करेगा और ध्येय निष्ठ होकर के, योग निष्ठ होकर के, कर्तव्य निष्ठ होकर के, गुरु निष्ठ होकर के, ब्रह्म निष्ठ होकर के अपने गंतव्य पर आगे नहीं बढ़ेगा तो जिंदगी में, इसीलिए तो मैक्सिमम लोग जीवन को न तो समझ पाते हैं न उसमें कुछ बड़ा करने में कामयाब हो पाते हैं। एक ही सूत्र है, कुछ भी हो जाए मुझे योग करना है, ये व्रत है मेरा, ये मेरा डिसीजन है, कुछ भी हो योग करना ही करना है। योग में आसन करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, व्यायाम करना है, जप करना है, तप करना है, चलो करो लय के साथ। मरना सीख लिया है ओ, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसे को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना जीने का अधिकार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को। पूरे तन्मय होकर के एक अनुष्ठान की तरह योगाभ्यास कर एक दीवानगी से, इसी को मैं बार बार भगवत शरणागति कहता हूं, गुरु शरणागति कहता, इसी को तीव्र संवेगानामासन्ना क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति, तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्, यदंगदाश्वसि त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरा। प्रभो जिसने आपकी शरण ली सदा उसका आपने उद्धार किया, मैं आपकी शरणागत हूं। ऐसे भगवत शरणागति के साथ, एक चुनौन के साथ, एक मस्ती के साथ योगाभ्यास करना। ओ जिसने क्रांति के गीत सुनाए तलवारों के झनझन स्वर पर, जिसने क्रांति के गीत सुनाए तलवारों के झनझन स्वर पर, जिसने विप्लव राग अलापे रिम झिम गोली के वर्षण पर, जो है बलिदानों का प्रेमी, जो है बलिदानों का प्रेमी, जगती का है प्यार उसे को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसे को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को। हंस हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना औरों के कष्टों पर रोना, जिसने सहना सीख लिया है, जिसने सहना सीख लिया है, संकट है त्योहार उसे को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार।
हर पद की जो न कभी भी रुका कहीं पर। हर दुर्गम तालक भी हर पद की जो न कभी भी रुका कहीं पर। अनगिन कष्टाघात सहे पर जो न कभी भी झुका कहीं पर। वो दुर्गम तालक भी हर पद की जो न कभी भी रुका कहीं पर। अनगिन कष्टाघात सहे पर जो न कभी भी झुका कहीं पर। झुका रहा है मस्तक अपना, रहा है मस्तक अपना ये सारा संसार। उसी को जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार, उसी को जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार। उसी को जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार। उसी को जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार, उसी को जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार। ऐसे एक जुनून के साथ, एक पागलपन दीवानगी के साथ, ऐसे 5 मिनट लगातार करना बिना रुके, हम करते कैसे? पहले तो अनमने से मन से करेंगे, उसमें कोई भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, समर्पण नहीं, जीवंतता नहीं, एकाग्रता नहीं, धैर्य नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे 5 मिनट प्रतिदिन भस्त्री का, सेकेंड अब कपाल भाती। देखो यद्यपि मैं तो थोड़ा दौड़ भी लगा के आया था, तो मेरे पूरे माथे पर, पूरे शरीर पर पसीना ही पसीना, पूरा सहस्र धारा बहती है। और एक सत्य मैंने अभी कहा, कुछ बड़े निर्णय डिसीजन। दूसरा मैंने सत्य कहा व्रत, व्रतेन दीक्षाम आपनोति। कपाल भाति करो अभी। दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। लेके साथ करना एक बड़ा निर्णय जीवन का, व्रत, ओथ, प्लेच, संकल्प ले लिया मुझे सुबह सुबह योग करना है। इसी को दूसरे शब्दों में मैंने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ते। निर्णय कर लिया, फैसला कर लिया, कुछ भी हो जाए मुझे योग छोड़ना नहीं है। जैसे घर में कितने ही कुछ अनहोनी हो जाए, माताएं बहनें एक संकल्प ले लेती हैं कि मुझे इस घर को ठीक से चलाना है। घर में झाड़ू बुहारी से लेकर के छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों की सेवा से लेकर के उनके भोजन वस्त्र, मुझे चाहे कम में गुजारा करना हो या ज्यादा में गुजारा करना, मुझे अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना, अपना कर्म नहीं छोड़ना, अपना धर्म नहीं छोड़ना। घर में एक किसान गाय भैंस रखता है, कुछ भी हो जाए उनकी सेवा नहीं छोड़ता है। खेती बाड़ी है, कभी अपने खेत में काम करना नहीं छोड़ता है। एक दुकानदार कितनी अनहोनी हो जाए, ये तो एक्सेप्शन होता है। कोई घर में बहुत बड़ा मातम आ गया, कोई जवान मौत हो गई, तब एक दिन भले ही दुकान बंद हो जाए, दुकान बंद नहीं होती है, फैक्ट्री बंद नहीं होती है। जब दुकान बंद नहीं होती है, फैक्ट्री बंद नहीं होती है, खेत में काम बंद नहीं होता है, घर में काम बंद नहीं होता है, कोई भी एक दिन भी देश राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बिना चल नहीं सकता। यदि कोई अनहोनी हो जाए तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री तुरंत नियुक्त करना पड़ता है। जब घर परिवार बिजनेस व्यापार राजनीति एक दिन भी बिना व्यवस्था के नहीं चलती है, बिना व्रतों के, बिना संकल्पों के, बिना जिम्मेदारी के नहीं चलती है। ऐसे ही योग, जैसे बाहर के संसार को चलाने के लिए ये जिम्मेदारी है, जीवन को चलाने के लिए योग सब कुछ है, नहीं छूटना चाहिए। फिर योग इतनी श्रद्धा से करें, इतनी भक्ति से करें कि
उसमें पूरे खो जाए। कल मैंने कुछ बच्चों के साथ, कुछ बड़े भी थे उसमें, जिंदगी में कुछ दुर्घटना हो गई। एक बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, दूसरे ने कुछ उतार चढ़ाव आए, जो भी कुछ हुआ, दारू पीना शुरू कर दिया, तीसरे को कुछ नहीं हुआ। एग्जाम का स्ट्रेस हो गया, कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, बहुत भयंकर स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस मतलब चुनौती बड़ी होती है। चुनौती आपको यदि स्ट्रेस दे जाए तो फिर तुम्हारे होने का मतलब क्या है। मैंने हमेशा एक बात कही है, जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में जो भी शिखर पर पहुंचे हुए लोग होते हैं, चाहे कोई कंपटीशन है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे बिजनेस है, कुछ भी है, अरे वो भी तो इंसान है ना। जब वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो तुम भी तो कर सकते हो, लेकिन एक दिन हो जाओगे कामयाब। एक बेटा आया, बोले स्वामी जी मेरा क्रिएटिनिन 3-4 हो गया था, उसी से मेरे को स्ट्रेस हो गया, अब किडनी गई, अब पहले डायलिसिस, बाद में किडनी ट्रांसप्लांट, और बाद में मौत सामने दिख रही है। जेतली जी ने बच पाई, सुषमा जी ने बच पाई, मैं कैसे बच पाऊंगा। वो बच्चा अच्छा हो गया, अब उसका क्रिएटिनिन डेड है, फिर भी एक भीतर एक खौफ है, एक भय है। मैं बार बार कहता हूं, डरो मत। न मरिष्यति न मरिष्यति मा विभेः सर्वो वै तत्र जीवति गोर श्वः पुरुष पशु। वो यहीं पर बच्चा बैठा, अब डेढ़ के करीब क्रिटिन आना, यही जरिए खड़ा। मैंने इसको बोला, बेटा अब तो तेरा डेढ़ आ गया है ना, अब क्यों परेशान है। समझी थोड़ा सा डर सा लग रहा है। मैंने कहा बेटा अब तो जिंदगी भर तेरे को कुछ परेशानी नहीं होगी, पहली बात तो योग तेरे साथ है, और दूसरी बात स्वामी रामदेव का आशीर्वाद तेरे साथ है, बड़ों का आशीर्वाद तेरे साथ है। ऐसे ये मैं प्रतीकात्मक बात कह रहा हूँ कि मेरे साथ मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे साथ मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे साथ मेरा भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है। है ना बेटा, क्या नाम है? रजत। माता पिता ने बोला बेटा तू स्वामी जी के पास जा, अब रजत है। अच्छा ये तेरे बच्चे भी हैं, मैंने सोचा तू ही बच्चा है। रजत अब तो एकदम, रजत को मैं स्वर्ण कर दे रहा हूं, अभी तेरे को कुंदन बना दिया, तेरे को हीरा बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तेरी प्रोग्रेस हो गई है। उम्र कितनी बेटा तेरी? 37। अरे किडनी की प्रॉब्लम क्यों आ गई थी बेटा तेरे को? मेरा बीपी बहुत हाई था, 240/140। ये तो पूछा ही नहीं था मैंने, ये बीपी क्यों आई था? टेंशन वगैरह। टेंशन किसकी थी? शादी हो गई ना? हाँ, हो गई। पत्नी कितनी अच्छी है। अभी मैं बात बताना चाह रहा हूँ, देखो तेरे माता पिता क्या करते बेटा? वो फैमिली बिजनेस है, फादर का फैमिली बिजनेस है ना, कुछ अच्छी कमाई कर लेते हैं ना। ठीक, मेरे बाप के पास तो मैंने कभी भी 5,000 रुपये नहीं देखे। कितने? 5,000 रुपये नहीं देखे, वैसे ज़्यादा बता दिया। कभी भी घर में कभी कोई बहुत बड़ा काम हुआ हो, कभी कोई पशु खरीद के लाना हो, ऊँट लाना हो या गाय भैंस लानी हो या कोई मकान आदि करना हो, तो 5,000 रुपये कभी इकट्ठे क्यों हो तो मुझे नहीं पता, नहीं तो 1,000-2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होते थे। क्योंकि मुझे तब पता लगा जब मैं घर से भगा, तो जहाँ पैसे रखते थे वहाँ देखा तो 800-700 रुपये थे, आधे में चुरा के भागा था। पकड़े। मैं पिछले साल स्वामी जी आया था यहाँ पे। तो एक बात सुन, तेरे माता पिता के पास मेरे माँ बाप से ज़्यादा पैसे थे, ठीक है, मैं बिना शादी वाला है, तेरी पत्नी भी कितनी अच्छी, आपके आशीर्वाद। मैं शादी नहीं की, सबको अपना मान लिया, सारा संसार मेरा घर परिवार है। तेरे कितने अच्छे बच्चे हैं, देखो दोनों बाबू बहुत अच्छे हैं।
अच्छी चीजें देखो, मेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तूने पढ़ाई लिखाई कहाँ की बेटा? मसूरी पढ़ा, दिल्ली पढ़ा। और हम तो उस सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे जिसमें एक में कुतिया ब्याह करती थी, दूसरे में हम पढ़ा करते थे। सच्ची बात बोल रहा हूँ, ये मसूरी और दिल्ली पढ़ा है, है? और मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों को, ये तो खाली प्रतीकात्मक कह रहा हूँ। स्ट्रेस हो जाता है किस बात का बेटा? स्ट्रेस नहीं लेना, चुनौती कितनी बड़ी आए। और तूने तो मेरी जिंदगी को देखा है ना, नहीं तो थोड़े बहुत ड्रामेटाइज करके मेरी पिक्चर बना रखी है। और देख लेना, उसमें थोड़ा ड्रामा भी करते हैं बेटा। कुछ नहीं है जिंदगी में, कितने बड़ा आंधी और तूफान आए, एक क्षण के लिए कोई थपेड़ा भी मार दे, कहीं टूट फूट भी जाए, कहीं एक्सीडेंट भी हो जाए, कितना ही बड़ा कोई घात प्रत्याघात लग जाए, फायरिंग हो जाए। मैं तो कम से कम दसियों बार तो मौत से बचा हुआ हूँ, फिर भी नहीं घबराया। तो स्ट्रेस से इसको बीपी हो गया था 240 बाय 140। अब इसमें तो तेरा ब्रेन हेमरेज भी हो सकता था बेटा, हार्ट फेल भी हो सकता था, किडनी के ऊपर अटैक आया, और अब किडनी का रिकवरी भी कर लिया, अब कुछ नहीं होगा बेटा तेरे को। और कभी अब स्ट्रेस में ही मत आना, है ना, तुम सलामत रहना। स्वामी जी पिछले साल आया था, डॉक्टर सलील महेश्वरी की क्लासेस बहुत अच्छी लगी मेरे को, उन्होंने समझाया पीछे जो हो गया हो गया, जो आप बताते हैं प्रारब्ध है, मैं मान लिया कि कहते हो जो पीछे हो गया हो गया, अब आगे उसको अच्छा करो। तब से मेरा सब कुछ अच्छा होने लगा, साइकोलॉजिकली मेरे को बहुत डिप्रेशन था, जो हो गया हो गया, फिर जब से उनकी क्लासेस अटेंड की तब से मेरे को अच्छा लगने लगा। और अब क्रिएटिनिन कितना आ गया? अभी आचार्य जी 1.5 हो गया है मेरा, 1.5 क्रिएटिनिन एकदम नॉर्मल। और पहले कितना था? ज्यादा था। कितना? 2 के ऊपर हो गया था। 2 के ऊपर, 2 के ऊपर जाते घंटे की खतरे की घंटी है, अब ठीक कर लिया रिजल्ट, ठीक है बेटा। ये तो मैं इसलिए थोड़ा एग्जाम्पल के लिए बोला, मत घबराओ, अरे कुछ भी हो गया है ना, उसके उसको तुम हरा सकते हो, उसके ऊपर पार जा सकते हो। तो मैंने बेटा खुश बेटा, है ना, ठीक है। ऐसे ये पूछ रहा है कि ये ऋषि मुनि है कि इनको ठंडी क्यों नहीं लग रही है, आपको पूछ रहा है। मुझे इसको माइक दो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आर्य वरणवाल। क्या बात है, जोरदार बच्चा है, नाम भी बहुत सुंदर है। तो आपने इतना कपड़ा क्यों पहन रखा है? ठंडी लग रही है। और मुझे क्यों नहीं लगती? योगा किए हैं। हाँ। तो आपने उत्तर दे दिया, आपने पापा से पूछा था ना स्वामी जी को ठंडी क्यों नहीं लगती, तो मैं दौड़ के आया, तो आप भी दौड़ा करो, ठीक है। और मैं बच्चा था ना तब, तेरे बाप जितने मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे मेरे बाबू, तो मेरे बाप ने मेरे लिए स्वेटर खरीदा ही नहीं, मेरे बाप ने मेरे लिए कोट खरीदा ही नहीं, और मेरे कोई दुख नहीं उस बात का। मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनता था, एक शर्ट एक कमीज, एक स्कूल की ड्रेस एक घर की ड्रेस, दो ही जोड़ी कपड़े होते थे, और उसमें स्वेटर था ही नहीं, टोपा था नहीं, जूते थे नहीं, चप्पल हुआ करती थी, और जो पजामा होता था ना वो 3 साल में एक बार सिलता था, तो पजामा कच्चा हो जाता था, हमारी हाइट बड़ी हो जाती थी। इसलिए बाप के पास ज्यादा पैसे होने पर भी ज्यादा गर्म कपड़े आपको भी प्रयोग करने, अरे बनवाल ज्यादा चाहिए, हाँ ज्यादा गर्म कपड़े प्रयोग करने चाहिए, ठंड लगे तो दौड़ लगानी चाहिए, हाँ बस यही सूत्र है। ठीक है बेटा, चलो नमस्ते। नमस्ते बेटा, अच्छा बाबू है हा? अब बच्चों को क्या करते हैं माँ बाप, ठंड लगे तो एक कपड़ा, ज्यादा ठंड लगे तो दूसरा कपड़ा, अरे ठंड लगे तो दौड़ लगाओ उनसे। ठंड लगे तो आर्य बनवाल क्या करना है, दौड़ लगाना है, दंड बैठक लगाना है, सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार करते हो ना ऐसे, चलो करो कपाल भाति करो। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, जिंदगी के बारे में बहुत बड़े बड़े लेक्चर लोग देते हैं, अरे कुछ नहीं है जिंदगी, जिंदगी को ऐसे जीना सीखो कि भाई जीना है और अच्छे से जीना है, शिद्दत से जीना है।
जिंदगी जीने के लिए हम लोग इधर उधर ना ताकते झांकते रहते हैं। सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस मोटिवेशनल स्पीकर्स बुलाते हैं अपने बिजनेस को और अच्छा करने के लिए, लोगों में उत्साह बढ़ने के लिए। मैंने कुछ चीजें ऐसी देखी आदमियों के अंदर, औरतों के अंदर, सबके अंदर समान रूप से, लोग मेहनत कम करते हैं, चाहे योग में हो, चाहे बिजनेस में हो, घर में, सब नहीं, थोड़े से लोग, कुछ तो एकदम एक्सीलेंट होते हैं, कुछ मीडियम से होते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं मतलब उनको हिलाओ ना तब सुबह उठाना पड़ता है हिला हिला के। आपके भी यहां हमने लगा रखे हैं दरवाजे, हिला हिला के फिर जगाते हैं, उठो समझो बुला रहे। कुछ बच्चों को माता पिता हिला के, कुछ बच्चों को पानी की छींटे मार के, और कुछ को तो मैंने देखा लोटा डालना पड़ता है पूरा, उठते ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं तीन बड़े शत्रु हैं, प्रमाद, आत्मग्लानी और अनुत्पादकता। एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं करना। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, है वही सुमिरन योग्य सखा। तू और किसी को याद न कर, सुख चाहे यदि नर जीवन का। धन दौलत खूब बढ़ाओ, खूब समृद्धि साम्राज्य अर्जित करो, लेकिन अपना घर बार बनाने को, अपना कारोबार बढ़ाने को, औरों का घर बर्बाद न कर, सुख चाहे यदि नर जीवन का। कपाल भाति करो। देखो अभी भजन सुनाने का समय नहीं, मैं भजन भी सुनाता हूं, भजन कीर्तन। मेरे से बहुत लोगों ने पूछा, बोले स्वामी जी आप 30 साल से योग करा रहे हो, ये योग पुराना क्यों नहीं हो रहा? वही कपाल भाति, वही अनुलोम विलोम 30 साल से चल रहा है। मैंने कहा बेटा आपकी उम्र कितनी हो गई? बोले जी 30 साल की। मैंने कहा तेरा बापू कितने साल का हो गया? बोले 60 साल का। मैंने कहा तेरा बापू पुराना हुआ? जैसे माँ बाप पुराने नहीं होते, जैसे सूरज पुराना हुआ, चांद पुराना हुआ, ये धरती पुरानी हुई जिस पर जब से बनी है तब से हम रहते आ रहे हैं। नयापन तो हमारे विचारों में है, भावों में है, संवेदनाओं में है, प्रेम में, उत्साह में। कपाल भात करते रहो, सुनो, प्रमाद नहीं कर रहा है, आत्मग्लानी में कभी नहीं जीना। मैं तो भोर में उठ करके ही सोचता, मैं ईश्वर की संतान, भोर में उठ करके धरती माता को प्रणम, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। सुबह उठ करके धरती माता को प्रणम, माता पिता को प्रणाम और भगवान को प्रणाम। प्रभु तूने मनुष्य का जन्म देकर के मुझे सारा सौभाग्य दे दिया, क्या नहीं दिया प्रभु ने, बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के प्रभु ने सब कुछ हमें दे दिया। मैं यही बात कह करके सबका डिप्रेशन भगाता हूं। क्यों डिप्रेस है भाई? जो दुनिया के किसी भी श्रेष्ठतम, किसी भी सफलतम, किसी भी सबसे ज्यादा धनवान गुणवान महान व्यक्ति में जो ज्ञान शक्ति सामर्थ्य संवेदन है वो सब तेरे पास है। देखो कभी भी अपने आप को दीनहीन दुखी दरिद्र महसूस नहीं करना, आत्मग्लानी में नहीं जीना। इस देश में पिछले 1000 सालों में आत्मग्लानी भरी गई, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे पूर्वज कुछ नहीं थे, तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है, फलाना नहीं है। मैं हमेशा आत्मगौरव की बात करता हूं, मैं आत्मविश्वास की बात करता हूं,
प्रमाद की नहीं, पुरुषार्थ की बात कर। देखो हमारे सामने दो विकल्प हैं जिंदगी में, हर समय कहीं पर भीतर देखो बाहर देखो, कपाल भांति करते रहो, रुकना नहीं है। आप जिंदगी को भी चुन सकते हो, मौत को भी चुन सकते हो, जहर को भी चुन सकते हो, अमृत को भी चुन सकते हो। अपने शरीर में ही देखो, कोई सुबह से शाम तक यही देखता रहे, अरे मेरे भीतर तो लैट्रिन भरी पड़ी है, मलमूत्र भरा पड़ा है सर मेरे शरीर में, तो दौड़ भी लगाते व्यायाम भी करते तो पसीना निकलता है चारों तरफ, शरीर के अंदर गंदगी है गंदगी। लोग दूसरों में बुराइयां देखते हैं ना, तो मैं उनको थोड़ा समझाने के लिए भी बोलता हूँ, ये ऐसा देखने के लिए नहीं बोलता हूँ कि अपने भीतर गंदगी देखो, ये तो देह तो देवालय शिवालय है, भगवान का मंदिर है। तेरी पूजा को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरी पूजा को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, जिसने जानी तेरी माया किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया किसने भेद तुम्हारा पाया, हरे ऋषि मुनि कर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान, हरे ऋषि मुनि कर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान, तूने राजा रंक बनाए तूने भिक्षुक राज बिठाए, तूने राजा रंक बनाए तूने भिक्षुक राज बिठाए, तेरी लीलाएं जब महान बना मन मंदिर आलीशान, तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान, तू ही जल में थल में तू ही, जल में तू ही, थल में तू ही, मन में तू ही, वन में तू ही, जल में तू ही, थल में तू ही, मन में तू ही, वन में तेरा रूप अनूप महान बना मन मन आइया भी गाई आलीशान, तेरा रूप अनूप तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम् शिवोहम् अहम् ब्रह्मास्मि, अनुलोम विलोम करो अपने भीतर, उठते ही ये विचार उठना चाहिए मैं शिव स्वरूप ज्योति स्वरूप शुद्ध चैतन्य आत्मा, ये तो मैं हूं और मेरा प्रयोजन क्या है जीवन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। भगवान ने जो अनंत ज्ञान अनंत संवेदना अनंत शक्ति सामर्थ्य मुझे बीज रूप में दिया है, उसे मुझे जगाना है और बस उसको उपयोग में लाना है। किसके लिए लाना? बस इसी के लिए, जीवन है इसी लिए लाना। अब जिस एक तो ये विचार है मैं शिव स्वरूप आत्मा हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि मम ब्रह्म स्वरूप, ये जो लिंग है ये जो भेद है ना जो ऊपर से दिखते हैं छोटे छोटे, स्त्री के पुरुष के गरीब के अमीर के अलग अलग जाति मजहबों के देशों के, ये सतह पर भेद है, भीतर एक तत्व ही है, एकत्व मनोपश्यत, एक ही आत्मा सबके भीतर। और शरीर के भी भेद ये तो थोड़ा पहचान के लिए बना रखे हैं, द फिलॉसफी ऑफ वननेस
इज अल्टीमेट ट्रुथ, अंतिम शाश्वत नित्य सत्य एकत्व का है। मृत्यु समृत्युम आपनोति नानै विह पश्यति यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मये भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। एको वशी सर्वभूतंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम यनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नैतरेषां। फाइव एलिमेंट्स आर एवरीवेयर इक्वल। दिस बॉडी एंड दिस यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ फाइव एलिमेंट्स। देयर इज नो डिफरेंस। एवरीवेयर फायर एयर वाटर स्पेस इज इक्वल। Everywhere senses are equal, soul is equal and super soul is equal, nature is everywhere equal, there is no difference, there is no discrimination, no injustice. आप मूल में जाकर के देखेंगे तो कोई भूल है ही नहीं, कोई भूल चूक नहीं है। अनुलोम विलोम करना लय के साथ, ये स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। जीने की भाव चेतना ये होनी चाहिए। कहां कोई प्रमाद, कहां कोई आत्मग्लानी, कहां कोई अनुत्पादकता। जिंदगी जीने के लिए इतना कुछ है, कुछ लोग कहते करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या करें। और मैं कहता हूं मेरे 24 घंटे छूटे पड़ते हैं रोज, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 11 कभी 12 बज जाते हैं। मेरे लिए तो एक एक दिन एक एक जिंदगी के बराबर मुझे लगता है। इसलिए मैं कहता हूं एवरी डे इज माई बर्थडे, वन डे इज एज वन लाइफ, वन डे इक्वल टू वन लाइफ, एक दिन एक जिंदगी के बराबर है। और हर दिन मेरा जन्मदिन है, लोग एक दिन का सेलिब्रेशन करते हैं, टुडे इज माई बर्थडे, हाँ, और फिर उसको सेलिब्रेट करने के लिए पता नहीं क्या क्या रचना रचते हैं। मैं तो हर दिन अपना जन्मदिन मनाता हूँ। मेरी माँ ने कहा था बेटा तू सुबह सुबह पैदा हुआ था, तो मैं सुबह सुबह अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूं, आप सबको योग कराता हूं। तो सुनो, सेलिब्रेशन, लाइफ इज ए सेलिब्रेशन, जिंदगी एक उत्सव है। हर दिन होली दिवाली है, होली दिवाली को तो सेलिब्रेशन करते ही है। अच्छी बात है, एक भाई यहां पर आए हुए अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं तो लोग कहाँ कहाँ जाते थे इधर उधर। उसमें नहीं जाने क्या, अरे बर्थडे भी सेलिब्रेट करने तो चलो अच्छी जगह ही कर लो, और धीरे धीरे मेरे जैसे बन जाओ कि हर दिन अपना जन्मदिन मनाओ, और एक जिंदगी को ऐसी जियो कि मुझे जिंदगी में जो करना है ना आज कर लेना है। ये आज देखो मैंने ऐसा जिंदगी को जिया है, ये भाषण नहीं दे रहा हूं और कहीं किताब में नहीं पढ़ा है मैंने। अनुलोम विलोम करो, संघर्षों के बीच में, युद्धों के बीच में मैंने जिंदगी को जिया है, और मैं तो चाहता हूं भगवान करे सबको बहुत अधिक कभी ना कभी, कभी ना कभी ऐसा कष्ट मिले, ऐसा दुख मिले कि उनको भीतर से झकझोरे कुछ करने के लिए, ऐसा अपमान मिले, ऐसा नुकसान मिले कि उसको कम से कम उसकी आत्मा को एक बार चोट तो लगे। जब तक आदमी को कुछ थपेड़ा नहीं लगता ना तब तक जागता ही नहीं। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो भगवान महावीर हो, चाहे भगवान राम हो। भगवान राम जी को तो पता नहीं कितने थपेड़े लगे, केकई से लेकर के, रावण से लेकर के। भगवान कृष्ण जी को बचपन से ही कितने थपेड़े मिले, पैदा ही कारावास में हुए। और तुम नाम भगवान जी का नाम जपेंगे, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। श्रीम नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अलग अलग तरह से तुम जब करती इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं पता, बस जब कर रहे हैं। अरे शिव को देखो, सदा विशद पिया। जितने भी भगवान, जितने भी देवी देवता हैं, सबने क्या किया? सबने युद्ध किया, सबने धर्म युद्ध किया, देवासुर संग्राम किया। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिरभवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अभघ्नन्तो अरावणः। तो सुनो, सारे महापुरुषों ने संकटों संघर्षों के युद्धों के बीच में जीवन जिया, तो तू क्यों घबराता है? हिम्मत कर, आगे बढ़। जीवन में मैंने कहा दो चीजें मिलेंगे हमेशा, एक रास्ता है आगे बढ़ने का, दूसरा रास्ता है हिम्मत हार करके बैठ जाने का। अब रोग से लेकर के घर परिवार बिजनेस व्यापार से लेकर के सारे संसार के बारे में इस सत्य को मैं कहता हूं, और ये सारे सत्य मैंने खुद देखे हैं। मैंने बचपन में ही पैरालिसिस से लेकर के, जैसे कल एक भाई बोल रहा था, छोटे से बच्चे को पैरालिसिस हुआ, हरिद्वार में लेकर के आ गए, उनको औषधि दी, वो छोटा बच्चा ठीक हो गया। अब 30 साल का ओम प्रकाश बता रहा था कल यही। मैंने भी हूं पैरालिसिस का मुकाबला किया उस समय, लेकिन मेरी माँ को किसी वैद्य का पता नहीं था, और किसी ने दवाई भी देने की कोशिश की। मैंने कहा मेरे बालक को दवाई दिला दो, तो दादी इतनी खूंखार थी, उसने दवाई फेंक दी कूड़ी में। बोले मेरे बच्चे को दवाई दे के मार देंगे पोते को। तो हमने फिर अपना जब समझ आई, आंख खुली और कुछ देखा संसार में, तो कुछ सिखाने वाला, योग सिखाने वाला गुरु नहीं मिला था। अब तो सारे संसार को मैं योग सिखा रहा हूं और बता रहा हूं, ये ऐसे योग करते हैं, ऐसे प्राणायाम करते हैं, ऐसे ध्यान करते हैं, ऐसे यज्ञ करते हैं, ऐसे जप तप करते हैं, ऐसे खाली योग यज्ञ ही नहीं करते, योग के साथ ऐसे उद्योग करते हैं, कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे आप और कैसे आत्मनिर्भर बनेगा भारत, ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ आज। तो मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, तो ऐसे एक किताब मिल गई थी उस समय, एक छोटी सी किताब पढ़ करके उसमें देखा ऐसे ऐसे आसन करते हैं, तो शीर्षासन किया, सर्वांगासन किया, मयूरासन किया, ये जो आज मैं हाथों के बल चलता हूँ ना, बचपन में चलने लग गया था। फिर मैंने बोली ये नौली किससे सीखी? तो मैं एक दिन मैंने किताब में पढ़ा कि पेट को ऐसे निकालते हैं तो ऐसे घुमाते हैं, तो मैं ऐसे ऐसे निकालने लगा और घूम गया। ये मैं 15 साल की उम्र से करता हूं ये नोली बिना गुरु के। ऐसे ही मैंने एक दिन ऐसे ऐसे मैं गुरुकुल में पढ़ रहा, उससे पहले की बात, मैंने ऐसे सुना कि बीच से निकालो, मुझे बाद में किसी ने बताया तो बड़े बड़े योगी करते हैं। मैंने परसों एक बात कही थी, पहले लोग क्या कहते थे, योग योगियों को ही करना चाहिए, गृहस्थों को नहीं करना चाहिए, इतने बावड़े बावड़े। बोलो ये मंत्र, ये हनुमान चालीसा, ये गायत्री मंत्र, ये महामृत्युंजय मंत्र, ये वेद, ये ऐसे ऐसे नहीं करने चाहिए, सब के बारे में ऐसे चारों तरफ से गलत फहमियां।
तो बोले योग केवल योगियों को करना चाहिए। तो मैंने कहा जो योग करेगा वो योगी बन जाएगा, इसमें करना क्या चाहिए। वेद केवल एक जाति विशेष को पढ़ने चाहिए। मैंने कहा जो वेद पढ़ेगा वही वेदज्ञ बन जाएगा, वही विद्वान बन जाएगा, पंडित बन जाएगा। जो योग करेगा वही योगी बन जाएगा। जो ये आगे बढ़ेगा वही प्रधानमंत्री बन जाएगा, वही राष्ट्रपति बन जाएगा। अरे इसमें क्या, जब कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, तो कोई भी योगी बन सकता है, कोई भी वेद पढ़ सकता है, इसमें क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमने फालतू की ऐसे दीवारें खड़ी कर रखी थी। स्वामी रामदेव ने सारी दीवारों को तोड़ दिया और सबको बता दिया है तुम स्वयं इस धरती के भगवान हो, तुम जो चाहो कर सकते हो, बस योग मत छोड़ना, बाकी सब करना। क्या करना बोलो, योग छोड़ना, बाकी सब हो जाएगा। और योग करके दिन भर कर्म योग करो, और इतना करो कि अल्टीमेट करना उसमें कुछ भी शेष ना रहे, बचे नहीं, बाकी नहीं रखना, कुछ बचा के नहीं रखना, सर्वस्व आहूत कर देना। क्या कर देना बोलो। अब जैसे जिनको आर्थराइटिस, मैं कहता हूँ 100-100 बार ऐसे करो, जिनको मोटापा उनको कहता हूँ 100-100 बार ऐसे करो, जिनको मेरुदंड की, जिनको डायबिटीज है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको औदौदौई की घंटा अनुलोम विलोम कर करो, कुछ बाकी मत छोड़ो। जो बाकी छोड़ देते हैं उसको क्या बोलते हैं, बचकनी हरकतें। बचा के रखते अपने आप को, अपने तन को, मन को, धन को, जीवन को। मैंने कुछ भी बचा के नहीं रखा। योग भी किया मैंने, युद्ध भी किया, आंदोलन भी किए, क्या क्या नहीं किया, और कुछ बचा के नहीं रखा। जब मैं आंदोलन कर रहा था, बोले स्वामी रामदेव तेरी पतंजलि योगपीठ, तेरा ये पतंजलि आयुर्वेद, तेरी दिव्य फार्मेसी, ये तेरी दवा, तेरा ये सारा योगाग्राम, इसमें बिल्डोजर चला देंगे। मैंने कहा चला देना, देश कानून से चलता है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। मैं ऐसे बोलता था। वो स्वामी रामदेव तुमने बोलता हुआ सुना है, आपसे 10-11 साल पहले की बातें याद करो। मैंने कहा ये देश किसी कुल खानदान की, किसी राजनीतिक पार्टी की जागीर नहीं है। ये देश और ये दुनिया मेरे भगवान ने बनाई है और मैं उसका बेटा हूं। जब तक भगवान है तब तक स्वामी रामदेव का तुम कुछ बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भगवान का बेटा हूं। अब बात एक तो ये है, मैं ईश्वर की संतान हूं और मैं भगवान के विधान को मानता हूं। मैं 3 बातें हमेशा कहता हूं। एक, भगवान के विधान को, भगवान के कानून को कभी नहीं तोड़ना। दूसरा, देश का संविधान और देश का कानून कभी मत तोड़ना। और तीसरा, समाज का भी कानून है। संन्यास की एक मर्यादा है, गृहस्थ की एक मर्यादा है, घर परिवार की एक मर्यादा है, उसको कभी मत तोड़ना। जो 3 चीजों को मानता है ना, वो बिंदास होकर के जिए, कोई तकलीफ नहीं। अब मान लीजिए मैं कब्जा करके योग ग्राम बना लूं, तो मेरा वही हाल होगा जो कंप्यूटर बाबा का मध्य प्रदेश में हो रहा है। मैं किसी का कोई आलोचना नहीं करूं, गलत काम मत करो, गलत काम मत करो। कानून क्यों तोड़ते हो, भगवान का हो या देश का हो, अनुलोम विलोम करो। मैं किसी के ना तरफदारी कर रहा हूं, ना किसी के का विरोध। एक बात आपसे कह रहा हूं, जिंदगी में इतना कुछ है और इन सब में ही किसी को अर्थराइटिस हो गया, किसी को अस्थमा हो गया, किसी को और बीमारियां हो गई हैं, लगातार करो। हाँ, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के, मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ, जवानों को भी सिखाता हूँ, मैं आर्मी वालों को भी, मिलिट्री वालों को, पैरामिलिट्री वालों को, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को, अलग अलग जगह में जाके योग सिखाया मैंने, सबने देखा है। और मैंने लाखों करोड़ों लोगों की शिविर लगाए, सबको ये की बात कही, सुबह सुबह ये 5-7 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपाल भाति, बाह्य उज्जायी, अनुलोम विलोम, भ्राम रोहित गीत, शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्य भेदी, कर्णोगान तक, नाड़ी शुद्धि, जिसको जितना आवश्यक है 5-7 प्राणायाम कर लो, 10-12 में से 5-7 आसन कर लो, 5-7 थोड़े व्यायाम कर लो, फिर जीवन को ठीक से, सलीके से जी लो, अपनी जीवन शैली को अच्छा बना लो, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, ये ठीक से कर लो लाइफस्टाइल। इसको योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन पद्धति कह के मैं 4 शब्दों में रोज यहां पर बताता हूं आपको। यहां टेढ़े मेढ़े लोग आए हुए हैं, बहुत दर्द है, दुख है, तकलीफ है। आपको एक बात और कहता हूं, ये तो मैंने एक बड़े परिप्रेक्ष्य में कुछ बात कही कि योग करो
और कर्मयोग करो, मेहनत करो, जिंदगी में इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, और उसको ना ऐसे आनंद से करो। कुछ लोग ना काम करते हैं तो बोझिल होकर के करते हैं, बोझ मान करके करते हैं, भार होकर मान करके। मैं कहता हूं निर्भार रहो, निर्वैर रहो, निर्भय रहो। अनुलोम विलोम पूरा हो गया। Thank you.